चतुर्थ भारतीय आरक्षी वाहिनी जंगल वैरी का 11वां स्थापना समारोह वाहिनी मुख्यालय में धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में कमांडेंट चतुर्थ भारतीय आरक्षी वाहिनी जंगल वैरी सुनील कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने परेड की सलामी भी ली। इस परेड का नेतृत्व निरीक्षक कमल देव सिंह ने किया। इस मौके पर एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा और प्रधानाचार्य पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज डरोह सौम्या भी विशेष रूप से उपस्थित रही। इसके अलावा उप समादेशक राजेश कुमार, सहायक समादेशक प्रेम सिंह और मान सिंह सहित वाहिनी के समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने वाहिनी के जवानों के पिछले साल में किए गए सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर वाहिनी परिसर में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें 55 कर्मचारियों ने रक्तदान किया। वहीं वाहिनी परिसर में जामुन, आंवला, नीम, चंदन और गुलमोहर के पौधे भी लगाए गए। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। मुख्य अतिथि ने वाहिनी के कार्यों में सराहनीय योगदान के लिए पुलिस कर्मचारियों और स्कूल के बच्चों को सम्मानित भी किया। चतुर्थ भारतीय आरक्षित वाहिनी की स्थापना 2008 में इसी दिन की गई थी और आज के दिन हम इसका 11वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सुबह हमने परेड का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष तौर पर बैंड जो हमारे द्वितीय आरक्षित वाहिनी का है उसने भी पार्टिसिपेट किया। परेड के बाद जो बाकी कार्यक्रम भी इसमें आयोजित किए गए, जिसमें विशेष करके मिनरवा पब्लिक स्कूल आलमपुर के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया और यहाँ पर एक हमने ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया, जिसमें हमारे 55 जवानों ने यहाँ पर अपना ब्लड डोनेशन किया। और उसके अलावा यहाँ पर आज हमने कल्चरल प्रोग्राम भी रखा है, जिसमें सभी वाहिनी के अधिकारी व कर्मचारी इसमें भाग लेंगे। इस वाहिनी के जवान हमेशा ड्यूटी के लिए तत्पर रहते हैं और पीछे चुनाव ड्यूटी में भी मेघालय व अन्य राज्यों में भी इन्होंने अपनी चुनाव ड्यूटी दी है। इसके अलावा जब भी किसी विशेष ड्यूटी की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ के जवान हमेशा तैयार रहते हैं और इनका योगदान सराहनीय रहा है। तो मैं आज के दिन इस वाहिनी के सभी अधिकारी व कर्मचारियों को बहुत बधाई देता हूँ कि वह भविष्य में भी अपने जो कर्तव्य है वो बड़ी निष्ठापूर्वक व ईमानदारी से निभाएंगे और हमेशा इस वाहिनी का नाम ऊंचा रखेंगे।